दोस्तों क्या आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आ चुका है आपके ईमेल आईडी में आपके मैसेज पर, और अपने स्टेटमेंट को आप ओपन करते हैं और आपके स्टेटमेंट पर आपको यहां पर पासवर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। तो आखिरकार अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ओपन कैसे करेंगे, पासवर्ड आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा हुआ आता है कंपनी की तरफ से, यानी कि फ्लिपकार्ट मान लीजिए या आप मान लीजिए एक्सिस बैंक की तरफ से। तो इसे आपको ओपन कैसे करना है, इसे ओपन करने का दो एग्जांपल यहां पर बताया गया है, वही आपके साथ शेयर करेंगे, वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर आपको बताया जाता है कि जो आपके पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है वो पासवर्ड आपका कैसा होगा। अगर आपका नाम है सीके कुमार अजय, यानी कि सीके अजय कुमार, और आपका डेट ऑफ बर्थ है इतना, तो आपके नाम के पहले के चार अक्षर, जो भी आपका नाम है, नाम के जो पहले के चार अक्षर हैं वो आपको यहां पर डालना होगा कैपिटल लेटर में, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है अपने डेट ऑफ बर्थ का डेट और महीना, यानी कि जो आपका डेट है और जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर डालना होगा। तो आपका जो पासवर्ड होगा वो 8 अंकों का मिलाकर हो जाएगा, आपके 4 अक्षर हो जाएंगे आपके नेम के और 4 अक्षर आपके हो जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के, डेट और मंथ के, यानी कि जैसे यहां पर डेट है 11 तारीख और महीना है दूसरा, तो यहां पर 11/02 लिख दिया गया है आखिरी में। इसी प्रकार आपके नाम के पहले के 4 अक्षर यहां पर लिखे गए हैं सी के ए और जे, देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सी के और ए और जे। इसी प्रकार यहां पर आपको बताया गया है अगर आपका नाम ये है और आपके डेबिट कार्ड के, यानी कि जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है उसके आखिरी के जो अंक हैं 4 वाले, जो आखिरी के अंक 4 हैं वो आपको यहां पर डालना होगा। जैसा कि यहां पर बताया गया है, यहां पर आपका नाम हो जाएगा सबसे पहले 4 अंकों का, उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके आखिरी के 4 अंक यहां पर ऐड करना होगा बाद में। यहां पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ ऐड करना होता है। यहां पर आपको अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है तो आपको यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड के आखिरी के 4 अंक यहां पर ऐड करना होता है। तो बस अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड का जो पीडीएफ है इसे आपको क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपको सबसे पहला आपको काम का काम क्या है कि आपको अपने नाम के सबसे पहले के अक्षर आपको कैपिटल लेटर में डाल देना है 4। तो मैंने यहां पर डाल दिया है SHIV, 4 अक्षर हो गए। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट आपको यहां पर डालना होगा, तो हम यहां पर उसका डेट डाल देते हैं, तो मैंने डेट डाल दिया। अब उसका महीना क्या था, आपके डेट ऑफ बर्थ में मंथ कौन सा है, तो वो आपको मंथ यहां पर डाल देना होगा। मैंने यहाँ पर मंथ भी डाल दिया है। अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 8 अंकों का पासवर्ड बन चुका है। अब आप ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपका यहाँ पर सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी कि आपका कार्ड नंबर जो है ये है, और इसका जो यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन किया है वो आपने 11 तारीख के 6वें महीने में, 19 तारीख 6वें महीने में, 23 तारीख 6वें महीने में और 6 तारीख 7वें महीने में आपने कितना कितना कहाँ कहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे। और आपका यहां पर देखने को मिल रहा है कि कैशबैक आपने अर्न कितना किया है वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तरीके से अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो आपके पास आया हुआ है उसको आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।